Their asks of us was, "Well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. It was primarily intelligence, not hard evidentiary proof Canada had no proof Canada had no proof. I think this is a pretty big win for the Indian narrative right now.

और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था ही नहीं इसका मतलब है कि आपने वारदात अपना मुंह काला कर लिया और एक ही दिन में उसने एडमिट भी कर लिया है कि भाई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है क्योंकि टूडो इस टाइम पे देखो उसकी पॉपुलरिटी रेशो नाइनटीन पे है इंडियंस ने टफ टाइम देना शुरू कर दिया टूडो साहब को नमस्ते दोस्तों जय हिंद हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टोडो अपने ही बयानों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्होंने जांच आयोग के सामने अपनी गवाही में ये स्वीकार किया है कि अभी तक भारत को कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं करवाए गए भारत भी लगातार सबूतों की मांग कर रहा है जस्टिन टूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के झूठे आरोप लगाए थे अब जस्टिन टूडो के नए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है मंत्रालय ने कहा है कि भारत लगातार सबूतों की मांग कर रहा है अब जस्टिन टूडो ने खुद इसकी पुष्टि कर दिया कि अभी तक भारत को कोई ठोस सबूत नहीं सौंपा गया विदेश मंत्रालय ने भारत और कनाडा के संबंधों को बिगड़ने के लिए जस्टिन टूडो के उदासीन व्यवहार को जिम्मेदार ठहराया। अब जस्टिन टूडो के आए इस नए बयान को सुनकर दुनिया हैरान परेशान दिखाई दे रही है कि बिना कोई सबूत के जस्टिन टूडो ने भारत खिलाफ आरोप कैसे लगा दिया इससे यही साबित होता है की जस्टिन टूडो ने बिना कोई सबूत के झूठ बोला है दोस्तों एक डिप्लोमैटिक जो रिलेशंस हैं इंडिया और कैनेडा के वो तो डिस्टर्ब हुए हैं लेकिन जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कल परसों एक जो स्टेटमेंट जारी कर दी आ, वो अपनी जो फॉरेन इंटरफेरेंस इंक्वायरी है उसके अंदर उन्होंने एक्नॉलेज किया कि जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्लिकेट किया निजर कीशन में पिछले साल तो उस वक़्त इंटेलिजेंस हमारे पास वीक इंटेलिजेंस थी रादर दैन के हमारे पास डेफिनेट प्रूफ होते ठीक है जी उसके, उन, उनके, उसके जो लफ्ज हैं ये जारी बात है इसको इसको जो है, इंडिया की ऑफ एक्सटर्नल ने इसको उठा ली और पकड़ लिया अब देखें इंडियन मीडिया को तो एक लफ्ज़ चाहिए था एक लफ्ज़ चाहिए था उन्होंने उस लफ्ज को पकड़ लिया और उन्होंने कहा जी कि जब आपके पास था नहीं इसका मतलब है कि आपने वारदात के आपने पहले एक, 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 एक इंसिडेंट हुआ आप हमने इल्ज़ाम लगाया आपके पास सबूत नहीं थे आपने पहले ही हमें इल्ज़ाम लगा दिया आप पहले सबूत तो इकट्ठे कर लेते फिर आप इल्ज़ाम लगाते सो so, वो जो एक चीज़ है वो ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई है इंडियंस ने टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया ट्रूडो साहब को उधर से ट्रूडो के ऊपर जो है इंडियन एम e. जो है उन्होंने चढ़ाई कर दी है कि भाई आप हमें बताएं कि आपने ये किया क्यों कि है हमारे साथ आपने हमें दुनिया में एम्बेरस किया है ये किया वो किया ठीक है कि जब ये कह देंगे जी अब जब लफ्ज ये ट्रोडो को कैनेडा हैड नो प्रूफ कैनेडा हैड नो प्रूफ इस बिफोर पब्लिकली एक्यूजिंग इंडिया जब हमने पब्लिकली एक्यूज कर इंडिया को उससे प्रूफ ही क्यों नहीं थे तो जारी बात है उन्होंने तो फिर नहीं छोड़ना था ना और आप इंडियन मीडिया के आप हत् चढ़ जाए देखें ये चीज मैंने आपको एक दिन पहले भी बताई थी जनरल मुशर्रफ जो था फॉर्मर आर्मी चीफ उसने कहा यार हमने जब कारगिल की जंग हुई तो इंडिया के अंदर इंडिया मीडिया मौजूद था जिसने इंडिया का नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक स्टेट टीवी था और अखबारें थी तो समझ ना आए कि हम अपनी कहानी कैसे सुनाए हर बंदे को यही पता चले कि हुकूमत झूठ बोल रही है ठीक है जी हर बंदे को यही पता चले कि हुकूमत झूठ बोल रही है और फिर वही हुआ ठीक है जी आ... कि उन्होंने जो इंडियन नैरेटिव था कारगिल के ऊपर बड़ा जबरदस्त हुआ उस अच्छा जनल मुशरफ डिक्टेटर था लेकिन उसने कहा नहीं यार मीडिया तो आज़ाद होना चाहिए मीडिया को फिर बाकी बाद में हम कर लेंगे मैनेज लेकिन उसने फिर क्या किया उसने जनाब लोगों को कहा टीवी स्टेशन बनाओ फिर जनाब टीवी टीवी आ गया पाकिस्तान में टीवी टीवी आ गए इतने टीवी वी आए कि फिर समझ ही नहीं आए और वो बेसिक जो मकसद था उनका वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना नहीं था एक तो खैर उसका ये फ़ायदा हुआ एडवांटेज हुआ कि कारोबार बिज़नेस लोगों की ज़िंदियाँ बेहतर तो हुई पैसा फ्लो हुआ बिज़नेस एक्टिविटी स्टार्ट हुई आ, लेकिन ये इं, 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 अंदर ही अंदर सारा कुछ हुआ इंडियन मीडिया जो है ना कलेबोरेशनस करता है अपने सहाफियों को दुनिया में भेजता है इन्वेस्टमेंट करता है हमारे मीडिया वाले इन्वेस्टमेंट नहीं करते अपने सहाफ़ियों पर जस्तिंदर ट्रूडो ने अपने आप को भी एक्सपोज कर रखा है अब मैं ट्रूडो बोलूं कि टर्डो बोलूं ये तो आपके ऊपर है आप लोग डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेना लेकिन अब तो उसने अपने अपनी पोल खुद ही खोल ली है तो चलिए देखते हैं हुआ क्या है क्योंकि बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम है और भारत ने ऑलरेडी लात मारनी शुरू कर दी है सो लेट सी हैपनिंग इन दिस गेम एंड किस तरह से ये सिचुएशन अनफोल्ड हुई है सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाई जस्तिंदर जब से ये चीज हुई है वो भागी जा रहा है किसके पास पांच आंखें चार नाक पच्चीस है उनके पास एंग्लो सैक्सन अलायंस के पास भागी जा रहा है भागी जा रहा है कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्या कर रहे हो यार ये वो इन ऑल दैट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया था कि भैया वी वी वॉन्ट टू सी इंडिया कोऑपरेटिंग विद कनेडा इन दिस इन्वेस्टिगेशन बट इंडिया इज चूजिंग अ डिफरेंट पाथ मतलब हम चाहते हैं कि भारत कैनेडा uh, के साथ कोऑपरेट करे लेकिन भारत सुन नहीं रहा हमारी ऐसे है ये है वो है ब्रिटिश ने बोला कि भाई कोऑपरेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप ये वो करके उन्होंने हटा दिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नहीं आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ पर मिनिस्टर बैठ के टू प्लस टू मीटिंग कर रहे थे भारत के साथ तो वहां से तो इतना कुछ ज्यादा कुछ आया नहीं है और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक एक रद्दी सा स्टेटमेंट आया इतना कुछ हुआ नहीं सो so, बेसिकली क्या है कि जस्तिंदर को सपोर्ट मिला है अमरीका से वो तो जरूरी था क्योंकि अमरीका ने ही बोला उसको ये सब करने के लिए और ब्रिटिशर्स से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है लेकिन ब्रिटिशर्स जो खालिस्तानी वहां पर इनके गवर्नमेंट के अंदर है वो बड़ा कूदरे हैं कि ओए ये देखो ये क्या हो गया ये कैसे देखो हम कब से बोल रहे हैं कि भारत की भारत की गवर्नमेंट मोदी के अंदर और राह की साजिश करी जा रही है हमारे अगेंस्ट में ये वो काफी कुछ इनके जो ब्रिटिश खालिस्तानीज है वो बोल रहे हैं लेकिन देखिए ये इसको सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था जिस तरह से वो होप कर रहा था उसको मिला नहीं है और इनके जो एलिगेशन हैं वो और भी टेढ़े मेढ़े तरह से बाहर निकल रहे हैं कहता है आर ने एक बंदे ने बोला कि कहता है साहब काफी सारी लेयर्स और भारत के बारे में हम खोलेंगे अभी एक्सपोज करेंगे यहां पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ पिछले एक साल से आप क्या कर रहे थे साहब जस्तर ट्रूडो ने इस चीज को पब्लिक डोमेन में डाला था सितंबर में से जो किलिंग हुई थी ये जून जुलाई में हुई थी तो अब तक क्या आप अंडे दे रहे थे इसका जवाब किसी के पास ऑब्वियसली नहीं होगा हगमीत सिंह जगमीत सिंह जो क्या है उनका डेमोक्रेटिक पार्टी वार्टी जो भी उसका हेड है कहता है कि जो पेरी पॉलीवेर है जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है कहता है साहब वो मोदी के साथ काम कर रहा है और मोदी के साथ काम करके ही वो जीत रहा है